पब्लिक टीवी आपकी आवाज। हिंदू राष्ट्र नव निर्माण सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा जनहित का कार्य करने के व अस्पतालों के रक्त कोष के रिजर्व को पूरा करने के उद्देश्य से आज ब्लड बैंक जिला अस्पताल सिविल लाइन मुरादाबाद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन माननीय मुख्य अतिथि LIU मुरादाबाद की CO सुनीता व माननीय विशिष्ट अतिथि SHO कोतवाली अनिल कुमार सिंह के द्वारा किया गया। इस शिविर में संगठन के समस्त कार्यकर्ताओं व सहयोगियों ने बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया व 35 यूनिट रक्तदान किया। इस कार्य के लिए संगठन द्वारा सभी रक्तदाताओं को एक एक प्रशस्त पत्र देकर सम्मानित किया व उनका हृदय से आभार व्यक्त किया। जिला अस्पताल के ब्लड बैंक के इंचार्ज डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह व उनकी पूरी टीम का उनके अतुलनीय सहयोग के संगठन ने आभार एवं धन्यवाद व्यक्त किया। शिविर में सलीस सक्सेना, मनोज राठौर, शुभम सक्सेना, राजदीप गोयल, आशा सक्सेना, गीतिका सक्सेना, अंकित रस्तोगी, अभिजीत अग्रवाल, शेयर सक्सेना, अमरदीप, विशाल, अर्पित गुप्ता, चमन ठाकुर, राहुल तुरहिया, प्रशांत सक्सेना, विपिन ठाकुर, अजय गुप्ता, ललित देवरा, रामजीत रावत, सुमित शर्मा आदि बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने अपना सहयोग दिया। नाम शुभम सक्सेना है। आज हमारे संगठन हिंदू राष्ट्र नव निर्माण सेना द्वारा रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें भारी संख्या में लगभग 40 से 50 लोगों ने रक्तदान करा है। हमारा उद्देश्य यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे सामाजिक कार्य करके लोगों को जोड़ा जाए। रक्तदान सबसे बड़ा दान है, जिसमें आज हमारे SHO कोतवाली अनिल कुमार जी ने भी आकर सहयोग करा है और रक्तदान करा है। कितने लोगों ने यहाँ रक्तदान किया है? अभी तक लगभग 40 लोगों ने अपना रक्तदान यहाँ पर करा है। संगठन द्वारा इसी प्रकार के कार्य होते रहेंगे और जितने भी समाज हित में कार्य होंगे, हिंदू हित में कार्य होंगे, सभी संगठन उनको करते रहेंगे। समाज से क्या अपील करना चाहेंगे? समाज से हम यह अपील करना चाहते हैं कि हिंदू समाज के व्यक्ति जितने भी हैं सब आपस में जातिवाद खत्म कर हमारे साथ जुड़े और एक ही शब्द कहलाएं सिर्फ हिंदू। हिंदू राष्ट्र निर्माण सेना, हिंदू राष्ट्र निर्माण सेना, हिंदू राष्ट्र निर्माण।